बहुत क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो रीट को नहीं निकाल पाते तो आज हम बात करने वाले हैं रीट की परीक्षा पास कैसे करें रीट की परीक्षा पत्र का विवरण ऐसा है कि रीट की परीक्षा सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रीट की परीक्षा 11 फरवरी 2018 को होगी उससे पहले आज तक हमने हम हम सभी जानते हैं कि जिसने कभी रीट का एग्जाम नहीं निकाला दोस्तों हम सभी उसी से सलाह लेते हैं कि रीट को पास कैसे करें तो हमारा क्वेश्चन सभी का रहता है यार रीट को पास कैसे करें दोस्तों ने कहा तो मुझे मुझे वीडियो बनानी पड़ी कि सबसे हमारा क्वेश्चन यही हो जाता है कि रीट को पास हम कैसे करें आज हम यही बात करने वाले हैं रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम इन टेस्ट और ये देखो मैंने बोथ के जो एग्जाम थे दोनों निकाले थे फर्स्ट ट्रम में ही बूथ लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड उसमें पहले वाले में प्राइमरी जो होता है प्री प्राइमरी इसमें डेढ़ सौ में से एक सौ सोलह और सेकंड लेवल में जो सिक्स टू एट होता है वो डेढ़ सौ में से नाइन्टी सिक्स दोनों क्वालिफाई किए एलिजिबल फोर, फोर तो बोथ लेवल मैं चा, चाहता हूं कि इस बार आप भी निकालें आप इस पूरी वीडियो को देखते रहे और ज़रूर आपको ये वीडियो जरूर सक्सेस करेगी पर उससे पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इससे अच्छी एक वीडियो और बनाने वाला हूं कि दस क्वेश्चन सोशल साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के भी लेकर के आऊँ। उसमें से आपको चार या पांच क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट मिलेंगे दोस्तों उससे आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी बहुत ज्यादा आप सक्सेस कर सकते हैं और रीट को क्लियर कर सकते हैं तो सबसे पहले रीट की परीक्षा के कुछ मैं नियम बताता हूं आपको कि परीक्षा के नियम होते हैं पेपर अगर मुश्किल आता है तो घबराएं नहीं क्योंकि ये सबके लिए मुश्किल है कट ऑफ कम ही जाएगी हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हो जाता है पेपर टफ आ रहा है क्या करें क्या करें टेंशन आ जाती है नहीं ये सबके लिए टफ है आपके लिए टफ नहीं है सबके लिए टफ है तो टेंशन लेने की दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है पेपर शुरू होने से पहले आप परीक्षा कक्ष में पहुंच जाए ताकि जरूरी औपचारिक प्रक्रिया को समय रहते पूरा किया जा सके उससे क्या करते हैं हम लोग कि बाद में जाते हैं यार औपचारिक प्रक्रिया हम मैन समय में करते हैं तो वो गलत है इससे आपको पेपर हल करने का पूरा समय मिलेगा कई लोग लेट हो जाते हैं जिससे ओ एम आर सीट की डिटेल भी मैन समय में भरते हैं जिस समय हम पेपर कर रहे होते हैं उस समय हम ओ एम आर सीट की डिटेल भर रहे होते हैं तो वो गलत है उस समय आप और क्वेश्चन भी कर सकते हो लाइन लगने में वेट करते हैं नहीं 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 भाई अरे हमें सबसे पहले नि, 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 पेपर निकालना है तो हम सबसे पहले लाइन में लगेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ें क्योंकि टाइम और पर्सन बराबर होंगे तो समय बर्बाद ना करें जो विषय आपको अच्छे से आता है वो सबसे पहले करें रीट में माइनस मार्किंग नहीं है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीट माइनस मार्किंग है दोस्तों मैं फिर से कहूंगा रीट में माइनस मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी नहीं है तो आप सारे प्रश्न कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इंग्लिश पैसेजेस को लास्ट में करें क्योंकि इंग्लिश पैसेजेस को पांच क्वेश्चन के ऊपर हम पूरा पे, पेपर नहीं छोड़ने, छोड़ने वाले क्योंकि इसमें आपको समय लग सकता है ध्यान रहे किसी भी सवाल में ज़्यादा समय ना लगाएं और किसी भी सवाल के साथ दिल ना लगाएं क्योंकि वो सवाल एक ही नंबर का होगा उतने समय में आप दूसरे सवाल को हल कर सकते हैं उससे क्या होता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन पर रुक गए ये नहीं आ रहा दूसरे से पूछेंगे ऐसा बिल्कुल ना करें और पेपर में चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें दोस्तों ये कानूनी अपराध है आपको सजा हो सकते ईमानदारी से पेपर करें ये कोई जिंदगी का काम्तान नहीं है हम क्या करते हैं कभी किसी से सलाह ले ली कभी किसी से पूछ लिया भाई उसका क्या है उसका क्या है उसमें हमारा तीन दो मिनट तीन मिनट और चली जाती क्या पता वो बताए सही बताए गलत बताए क्यों टाइम वेस्ट करना अपने पास अंदाजा लगाओ ना कि क्या हो सकता है और वो दूसरा गलत ही बताता है क्योंकि वो भी तो आपके एग्जाम दे रहा है तो वो आपको पीछे करना चाहेगा सबसे मेन पॉइंट आता है है हमारा आज OMR इसको साथ साथ जोड़ें आप अगर हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन कर रहे हैं तो उसको करने के बाद तुरंत ओ एमआर शीट भरे फिर उसके बाद अगर सेकेंड हमारा लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है तो इंग्लिश को भरे अंतराल में भरते रहे अतः ये नहीं कि ओएमआर सीट को बाद में भरेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों ये माइनस हो जाता है क्योंकि ओएमआर सीट का भरने वाले को हमेशा समय नहीं मिल पाता तो अंत में ओएमआर सीट की आदत भरने वाले को बदल दें कई बार समय नहीं रहता अंत में जिससे किए हुए सवालों को ओएमआर भी नहीं भर सकते और आपको कोई एक्सेस समय नहीं दिया जाएगा सबके समय कॉपी ले ली जाती है कोई नहीं होता एग्जामिनर की आपको एक्सेस समय दे परीक्षा में किसी भी समय गिवअप ना करें दोस्तों सबसे बेस्ट लाइन है दोस्तों गोल्डन लाइन मैं कहूंगा कि परीक्षा में किसी भी समय गिवअप ना करें अगर आपको लगातार चार पांच सवाल सवाल नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर टफ हो जाता है हो सकता है लगातार आसान सवाल आ जाए दिमाग को शांत रखें हर एक सवाल को ध्यान से पढ़ें